मुंबई पुलिस ने अप्रैल में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी सिलसिले में उनका और उनके भाई एक्टर अरबाज खान का बयान दर्ज किया है। सलमान खान ने बयान में अपने घर पर कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा की गई गोलीबारी की घटना को लेकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंता जताई है। सलमान खान को बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस घटना पर अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी और बताया कि क्राइम ब्रांच के चार अधिकारी इस महीने की शुरुआत में बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे थे, जहां एक्टर की फैमिली रहती है। अधिकारी ने बताया कि 4 जून को करीब 4 घंटे तक सलमान खान का बयान और 2 घंटे से अधिक समय तक उनके भाई अरबाज खान का बयान दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि उनसे लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मुंबई पुलिस को दिए गए एक्टर के बयान का जिक्र किया गया है। एक्टर ने कहा कि गोलीबारी की ये घटना हमारे लिए एक गंभीर खतरा है। एक्टर ने ये भी कहा कि फायरिंग के बाद उन्होंने अपनी गैलरी से चेक किया, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखा। कुछ ही समय बाद अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें घटनाओं की जानकारी दी। अपना बयान दर्ज कराते समय एक्टर ने कहा कि वह इस तरह के क्राइम के लिए निशाना बनाए जाने की वजह से बिल्कुल परेशान और थक चुके हैं। उन्होंने बताया कि वह पहले से ही बहुत कुछ झेल चुके हैं और कई सारे अदालतों द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान भी कर चुके हैं। अन्य न्यूज पोर्टल में बताया गया है कि सलमान ने अपने बयान में पुलिस को जानकारी दी कि घटना वाली उस रात को क्या हुआ था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस दिन वह अपने घर पर ही थे और उस रात देर से सोए थे, क्योंकि उनके घर पर एक पार्टी थी। कुछ घंटे बाद ही घर के बाहर गोलियों की आवाज से उनकी नींद खुली। एक्टर ने इस मामले की जांच में मुंबई पुलिस और उनकी जांच को लेकर धन्यवाद दिया। सलमान खान के साथ ही इस मामले में उनके भाई और एक्टर अरबाज खान का बयान भी दर्ज किया गया। बताया गया है कि उनसे करीब 2 घंटे तक इस मामले में पूछताछ चली। अरबाज ने उस घटना की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि इससे पहले किसी ने हमारे घर के बाहर एक धमकी भरा नोट छोड़ा था और बिश्नोई गिरोह के सदस्यों ने हमारे पनवेल फार्म हाउस की रेकी की थी। यह गोलीबारी तीसरी घटना है और पुलिस को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बता दें कि सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल को तड़के मोटरसाइकिल से आए 2 व्यक्तियों ने गोलियां चलाई थी। इस गोलीबारी को लेकर पुलिस ने आरोपी शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि इस घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ है। इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक अनुस्थापन ने 1 मई को पुलिस हवालात में कथित रूप से फांसी लगा ली थी। एक अन्य मामले में नवी मुंबई पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में सलमान खान पर हमला करने की साजिश के सिलसिले में हरियाणा के बिश्नोई और गोल्डी बरार गिरोह के एक कथित सदस्य समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था गिरोह के 4 सदस्यों ने बांद्रा में सलमान खान के घर के आसपास के इलाके पनवेल में उनके फार्म हाउस की रेकी की थी। ये लोग उन जगहों पर भी गए थे जहां सलमान खान शूटिंग के लिए जाते हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अन्य मामले में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। पुलिस ने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।